का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता हूँ। मैं आप देख रहे बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, उनके पास एक इंजीनियर भी नहीं होता। हालांकि जब जो मरहलवार जो तरतीब होती है कंस्ट्रक्शन कंपनी की, उसको उसी तरतीब से एसडीओ रखना चाहिए, एक्सएल रखना चाहिए, एससी रखना चाहिए, फील्ड इंजीनियर होना चाहिए, ताकि कम से कम हमारी जो भी जो है ना वो वहां पे उनको जॉब मिल सके। अजीज इंजीनियर दोस्तों, यकीनन एज ए पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी हम आपके मुतालबात का हम भरपूर ताईद हिमायत करते हैं। आज के इस फ्लोर पर जो भी आपके अवामी तौर पर जो आपके मसाइल होंगे, हम अवामी तौर पर उसको उठाएंगे। हम आपके साथ जलसे करेंगे, हम आपके पास जुलूस करेंगे, हम आपके साथ रोडों पे बैठेंगे, हम आपके साथ दुपट्टाल करेंगे। जो भी तरीकेकार होगा, हम आपके एक अवामी पार्टी के तौर पर, इस शहर की पार्टी के तौर पर हम आपके साथ हैं। इसके अलावा असेंबली के फ्लोर पर इंशाल्लाह हमने आवाज उठाई है 25 तारीख को। इंजीनियर सर्विस स्ट्रक्चर कल हमारे पब्लिक हेल्थ इंजीनियर कुछ दिन बाद इसलिए फौती हो गई थी हमारी, वहाँ पे फातिहा पे थे दोस्तों ने, हमें रबते में थे आदिल भाई और साथ बाकी दोस्तों के साथ, इसलिए माजरा चाहूँगा कि इतने दिन में नहीं आ सका मजबूरी की वजह से। बरन बातें तो रसुल्ला भाई ने सारी कह दी, मैं कुछ मोटी चीज़ों पे, क्योंकि हम इंजीनियर्स हम माशरे की तामीर और तरक्की में, इस माशरे में हम रहते हैं उसमें इंजीनियर और मैसन का कोई फ़र्क इन अरबाब इक्तदार की नज़रों में शायद नहीं है, इसलिए वो हमें भी उस लेबर की नज़र से देखते हैं। वो जिस तरह का एक इम्तियाजी सलूक इंजीनियर्स के साथ रवा रखा गया है, खासतौर हमारे इस हुकूमत में, हमने वक्तन फवक्तन कोशिश की इंजीनियर्स के हकूक के हवाले से बलूचिस्तान असम्बली की करारदादें, बलूचिस्तान असम्बली की डिबेट्स, उसके ऊपर कमेटियां, आज जिन मुतालबात के लिए हम यहाँ पे दर्दे पे बैठे हैं, अगर यहाँ कोई मौजिब माशरा होता, अगर यहाँ पे कोई भी सेंसेबल गवर्नमेंट होती तो आज शायद ये धरना नहीं होता, क्योंकि जो मुतालबात हमने यहाँ पे रखे हुए हैं वो तमाम की तमाम मुतालबात डिस्कस हो चुकी हैं असेंबली फ्लोर पे, कैबिनेट की मीटिंगों में, उन पे तो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन होकर इंजीनियर्स को अपने घर में बैठे बैठे मुतमईन किया जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि जिन चीज़ों पे फैसले आ चुके हैं, आज हम उन पे अमल दरामद के हवाले से यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं, यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। अब पूरी दुनिया में इस तरह की मिसालें हमें बहुत कम मिलती हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर जो है वो एक नॉन टेक्निकल बंदा हो। इसको तो हम अदालत में भी ले जा सकते हैं, कोई कानून कोई कायदा इसकी इजाज़त नहीं देता कि एक नॉन टेक्निकल आदमी वो किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का, किसी कैनाल या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का वो पीडी हो जाए, जिसको खुद उस प्रोजेक्ट की अलिफ बे से वाकफियत ना हो, तो उस प्रोजेक्ट का हशर क्या होगा ये दुनिया ने देखी है और देख भी रहे हैं हम लोग। इस कोयटे शहर में जो कोयटा पैकेज की पीडी है, एक नॉन टेक्निकल आदमी है, उनको तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा
कि नेचुरल स्लोप किस तरफ है और सेवरेज के पानी को किस तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। जैन रोड का नाला सबके सामने है, मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा। जैन रोड का नाला हम सबके सामने है जिसका स्लोप अरबाब करम खान रोड तरफ शाहजमान रोड से होता हुआ, ये सर जब से पाकिस्तान बना है वो पानी वो स्लोप उसी तरफ जा रहा था और उधरी से पानी निकल रहा था, उसको डाइवर्ट करके ऊपर की तरफ लेकर आए मीर होटल के साथ जो नाला बह रहा है उसके साथ कनेक्ट किया। अब उस दिन मैं गया था उनसे, मैंने पूछा था कि आपने इसका स्लोप निकाला है, कहते वो क्या होता है रोड इस तरफ आ रहा है तो हमें नाले को भी इस तरफ दे रहा। मैंने कहा रोड तो लगपास की पहाड़ पे भी चढ़ रहा है, आप नाले को चढ़ा दे पहाड़ पे। अब इस तरह के जो पीढ़ी हम रखेंगे तो प्रोजेक्ट्स का यही हाल होगा। 1.5 करोड़ से ऊपर इस नाले पे खर्चा हुआ है, पहली बारिश के साथ इंशाल्लाह ये सारा पानी रोड पे होगा। जो आवाम को कुछ दे रहा है बाकी जो जॉब होते हैं वो प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अकेले नहीं होंगे, हम आपके शाना पहचाना होंगे। उन्होंने पोस्टें अनाउंस की और काफी साथी उसमें लग गए।